लेकिन आप पर्दे के पीछे देखिए, बीजेपी का टारगेट क्या है? बीजेपी का टारगेट केवल ऑफकोर्स ये है कि सीट जीत करके अपनी सरकार बनाना, लेकिन बीजेपी बैक्ड है आरएसएस से, और आरएसएस और बीजेपी का जो टारगेट है, साइलेंट टारगेट है, फाइट अगेंस्ट एनी आइडियोलॉजी। असित नाजी ने जो ये बोला ना कि अगर कोई हिंदू हो जाए पुलिस का दरोगा या कोई राजनेता और कोई मुसलमान हो जाए, मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है। मैं बोलता हूं अगर आप एक बेहतरीन हिंदू हैं, ईमानदारी से आप हिंदू बन जाइए या ईमानदारी से आप एक ईमानदार मुसलमान बन जाइए, तो आप और बेहतर सेवा करेंगे। छद्म वे में आप मत बनिए। धर्म कभी भी, कोई भी धर्म कभी किसी की सेवा करने से नहीं रोकता है। वामपंथी अगर आप बन जाएंगे, अगर आप वामपंथी हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तब आप वहां बायस्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे धर्म को 100% रिस्पॉन्सिबिल मत बनाइए, ये गलत चीज है, पहली चीज। एके मिश्रा जी, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव परिणाम को लेकर और जो आसिफ जी कह रहे हैं उस बारे में? देखे लाली तेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ये चुनाव के रिजल्ट का जो परिणाम है और जो विश्लेषण है ना, ये बड़ा रहस्य से परिपूर्ण है। हर आदमी इसको अपने हिसाब से देख रहा है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सेकेंड फेज में, अभी शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताऊं। कांग्रेस का ये कहना कि ठीक है, एक कोविड की प्रॉब्लम है और हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं एज ए कंट्री, हम वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इसको मैं केवल इस परिप्रेक्ष्य में देखूंगा, चूंकि आपका टॉपिक चुनाव है तो मैं केवल चुनाव की बात करूंगा और दूसरे विषय पे बात नहीं करूंगा। कोविड का करना है तो हम कोविड की बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हार और जीत दोनों है, और दोनों ही पार्टियों के लिए हार और जीत है। कौन कितना हारा, कौन कितना जीता, कौन हार के जीत गया और कौन जीत के हार गया, ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये चुनाव अपने आप में अभूतपूर्व चुनाव था, और इसमें मैं बीजेपी की कहीं से भी हार नहीं देखता हूं। और जितना उन्होंने टारगेट दिया था फिजिकल में, मैं 200 सीट का दिया था, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत जबरदस्त गेम की है, और विद लॉजिक, ऐसे ही नहीं कि हवा हवाई, ब्लाइंडली नहीं, स्ट्रेटेजिक वे में। मैं इसको कमिंग एपिसोड जो आपके अगले नेक्स्ट वो होंगे, मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे उन्होंने जीत दर्ज की और विपक्ष को या टीएमसी को क्या हार हुआ, जो नुकसान आज किसी को नहीं दिख रहा है। आज ठीक है, जीते हैं वो, जश्न मनाए, खुशी होनी आशुतोष चाहिए। पाठक जी के पास ये बेईमान लोग हैं, ये भारत के दुश्मन है, लोकतंत्र के दुश्मन है, ममता भी दुश्मन है, भाजपा भी दुश्मन है। मगर आसिफ हम जी, उस मामले में इन हमलों में भारतीय सबसे हैं, ज्यादा राजनीतिक रूप हम से कमजोर घायल हो रहे हैं, हमें कांग्रेस मंजूर किसका है, हो गई? लेकिन हम दंगे करवा के, कत्लेआम करवा के, बस्तियां फुकवा के चुनाव नहीं जीतना चाहते। ये जीत लाशों पर जीत मोदी को मुबारक, लाशों पर जीत ममता को मुबारक, कांग्रेस को ये हार स्वीकार है खुशी से, लेकिन बस्तियां फुकवा के जीत ना नहीं चाहिए। मैं एके मिश्रा जी के पास आना चाहूंगा, वो जरूर असित जी को रिवर्ट करेंगे, और मेरा उनसे एक अतिरिक्त सवाल यह होगा कि जो ऐसे क्षेत्र जहां पर कि हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, बांकुड़ा, झारग्राम, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर परगना, दक्षिण परगना, ये जो जगह है, इन जगहों में कुछ और अगर जोड़ लेते हैं इलाकों को, मान लीजिए जैसे कि वर्धमान भी जोड़ लेते हैं, तो इन सब जगहों में आपको 75 में से 52 सीटें, 75 में से 52 सीटें जो कि हिंदू इलाका है, वहां टीएमसी ले गई। तो ये जो परसेप्शन था कि मुसलमान की पार्टी है टीएमसी, ये परसेप्शन तो अब टूट जाना चाहिए। देखिए थोड़ा मुझे समय दीजिएगा और प्लीज बीच में रोकिएगा नहीं, जवाब थोड़ा सा लॉजिकल है और थोड़ा लंबा रहेगा। असित नाजी ने जो ये बोला ना कि अगर कोई हिंदू हो जाए पुलिस का दरोगा या कोई राजनेता और कोई मुसलमान हो जाए, मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है। मैं बोलता हूँ अगर आप एक बेहतरीन हिंदू हैं, ईमानदारी से आप हिंदू बन जाइए या ईमानदारी से आप एक ईमानदार मुसलमान बन जाइए, तो आप और बेहतर सेवा करेंगे। छद्म वे में आप मत बनिए। धर्म कभी भी, कोई भी धर्म कभी किसी की सेवा करने से नहीं रोकता है। वामपंथी अगर आप बन जाएंगे, अगर आप वामपंथी हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तब आप वहां बायस्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे धर्म को 100% रिस्पॉन्सिबिल मत बनाइए, ये गलत चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, मैं ये बोलूंगा जो आपने बोला हिंदुओं का क्या हुआ। देखिए बीजेपी 77 सीट पाई, ममता दीदी जीत गई फिजिकली, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया, तो मैं भी यही मानता हूँ।
लेकिन आप पर्दे के पीछे देखिए बीजेपी का टारगेट क्या है। बीजेपी का टारगेट केवल ऑफकोर्स ये है कि सीट जीत करके अपनी सरकार बनाना, लेकिन बीजेपी बैक्ड है आरएसएस से, और आरएसएस और बीजेपी का जो टारगेट है साइलेंट टारगेट है फाइट अगेंस्ट एनी आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजिकल फाइट वो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स उसमें टूल है। अब आइडियोलॉजिकल फाइट क्या है और बीजेपी की सबसे बड़ी जीत क्या हुई, 70 साल से वामपंथ का जो गढ़ था कोलकाता वगैरह पश्चिम बंगाल जहां पे वो और उनकी आइडियोलॉजी कभी खत्म नहीं हुई और कांग्रेस का नेक्सस था उनके साथ, तो उन्होंने इस आइडियोलॉजी को खत्म कर दिया, समूल नाश कर दिया। चाणक्य की तरह वामपंथ के आइडियोलॉजी, वामपंथ की बची खुची राजनीति में जो एक दो शाखाएं बची थी उसमें मट्ठा डाल दिया। मिश्रा जी, मैं एक लाइन सुन लीजिए, आपने जो कहा कि वामपंथियों का नाश हो गया, मैं एक फिगर देना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू रहिएगा। ये देखिए, वामपंथियों को इस बार 28,36,000 वोट, 28,36,000, ठीक है, और कांग्रेस का उससे ज्यादा उसकी दुर्गति हुई है। कांग्रेस को वोट मिले हैं मात्र 17,57,000, ठीक है। अब आप कंटिन्यू रहिए जी, बात सुनिए। वामपंथी और कांग्रेसी उसी तरीके से इनएक्टिव बैक्टीरिया या वायरस हो गए हैं जो कि देखने के लिए जिंदा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ सीट नहीं मिली, पावर में नहीं आए, यानी उनकी शक्ति खत्म हो गई। वो आईसीयू में पड़े हुए एक पेशेंट के खिलाफ की तरह है जो कि मदद की गुहार लगाते रहेंगे, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए सर, यहाँ समय की कोई सीमा नहीं, 2 मिनट मुझे और दीजिए। जो आपने पूछा हिंदुओं का वोट, बाकी पैनलिस्ट के साथ अन्याय होगा मिश्रा जी, नहीं नहीं 1 मिनट और दीजिए सर, सुन लीजिए अभी हाँ, अभी मेरा तो आंसर जल्दी में, नहीं जल्दी में बोलिए। वो ये हुआ कि हिंदुओं का वोट क्यों नहीं मिला, वो हुआ इसलिए कि बीजेपी 3-3 मोर्चों पे वामपंथियों से, कांग्रेस से और टीएमसी से लड़ रही थी, इतने जल्दी बॉन्डिंग कोई भी खत्म नहीं कर सकता, हर पार्टी बाकी सबसे लड़ती है। नहीं नहीं, यहाँ पे जो 3 लोगों के खिलाफ मोर्चा था वो बहुत पुरानी जड़े वहां पे थी। अगर ये 77 सीट या XYZ नंबर अगर ये लेकर के आए, आप बोलिए ना ममता दीदी को, कांग्रेस को बोलिए ना, किसी स्टेट में जाके पहले इलेक्शन में पहली बार कैंपेन करें और इतना जो है परसेंटेज ऑफ वोट या सीट ले ले। 147 हाँ ठीक है, मैं उसको भी मानता हूँ, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि कोई पार्टी अजय है, लेकिन दिल्ली की राजनीति अलग है, यहाँ पे जो बंगाल की राजनीति हुई है उसकी चुनौतियां कुछ अलग थी। यहाँ पे 77 सीट को ले आना आप कम मत मानिए, किसी के गढ़ में दूसरे के गढ़ में एक सिंह जी को भी कि बीजेपी 3 से 77 सीट पर आई है, इस पर बधाई तो बनती ही है।